नीलाचल निवासायो नित्यायो परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये जो घोष यात्रा प्रथमतः ये कहते रथ यात्रा बोली कह जाए रथ त्रयरंकर यात्रा होता है एवं रथारूढ़ हो महाप्रभु स्वतंत्र भाव में सप्तधा मूर्ति ये यात्रा होता है। सप्तधा मूर्ति कहले श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री बलभद्र भगवती सुभद्रा रामकृष्ण दुई मूर्ति एवं मदन मोहन या को नहीं सप्तधा मूर्ति रथर यात्रा करती तेणु यार अन्य नाम होती घोष यात्रा। घोष शब्दर अर्थ होती घोषणा करवा जेतु महाप्रभुंकर रथटीर ना होती नंदी घोष। नंदी शब्दर अर्थ होची आनंद जो रथ रे महाप्रभु आनंद घोषणा करती अर्थात जिते दुख सुख भितरे संसार भितर भक्त माने थांती से माने महाप्रभु को रथरे आसी देखिदेले आनंदित हो जाती। ता कारण होची ये यात्राटी प्रथम रे आनंद वर्धक यात्रा तेणु यार नाम होती नंदीघोष रथ से नंदी शब्दर अर्थ होती आनंद आनंद को महाप्रभु घोषणा करती तेणु यात्रा। आउ गोटे ना हूँ तार दशावतार यात्रा। दशावतार यात्रा कहले महाप्रभुंकर स्वतंत्र भाव ये नव दिन भितर दशावतार लीला अनुष्ठित होता है पर्याय अनुसार तेणु जहाँ जमी आम जाचे जे दुलेच दोल गोविंदम चापेच मदन मोहनम रथस्तु बामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभ्यते। महाप्रभु जेतेबेले रे जानती सेतेबेले गला बेले को बामन स्वरूप दासे अर्थात तो दश अवतार गोटे मूर्ति होती बामन अवतार तेणु बामन अवतार रे रथ उपर महाप्रभु याडू जानती सिठी जेतेबेले रे फेरंती सेतेबेले होती महाप्रभुंकर नृसिंह रूप हो जाए कारण दक्षिणाभिमुखी विष्णुम साक्षात नृसिंह रूप ध्रुव तेणु महाप्रभुंकर जो प्रत्यावर्तन हुए बाहुड़ा यात्रा दिन से श्री मुखारविंद बदली जाए नृसिंह स्वरूप हो जाए। ये तो व्यतीत बाकी आउ आठटी रूप महाप्रभुंकर गुंडीचा मंदिर रे अनुष्ठित होता है तेणु ये नाम होती दशावतार यात्रा। द्वितीय कथा है ये यात्रा को मध्य नवदिनात्मक यात्रा बोली बोध कह जा नव जातायत द्वयर मध्य सप्ताह मंडपे स्थित जीवा आसवा छाड़ी महाप्रभु सात दिन अवस्थान कर बेले बेले रे यार व्यतिक्रम हुए तार कारण हूँ महाप्रभु जदि दांडे गोटे दिन रहीगले तो बेले बेले गोटे दिन कमी जाए तेणु कमी जाए बढ़ी जाए कि धर्मशास्त्र अनुसार जातायत द्वयर मध्य सप्ताह मंडप स्थित सप्ताह व्यापी महाप्रभु आड़प मंडप जार अन्य नाम गुंडीचा घर गुंडीचा बाड़ी एवं जनकपुर कहुई तेणु से स्थान जेहेतु महाप्रभुंकर आविर्भाव स्थान कारण रथयात्रा महाप्रभु निर्दिष्ट से स्थान को ही जाती बेले बेल भक्त मैंने भ्रांति में पड़ती जे महाप्रभु होती मौसी घर को जाती मौसी घर को महाप्रभु जाती कारण गुंडीचा घरटा जगन्नाथ मौसी घर नुह प्रायत भक्त मैंने मौसी घर भी कहते कितु से संपूर्ण भाव में भूल कथा। गुंडीचा गुंडीचा यात्रा जे जपंती मनुत्तमाह गुंडीचा यात्रा रे महाप्रभु जो जानती से गुंडीचा घर टी हो घर अर्थात सिठी से महाप्रभु आविर्भाव सर्व प्रथम रही तेनाली गुंडीचा घर कह जाए एवं पूर्व काल मंडप थिला आड़प मंडप तार आउ गोटे नाम हूँ आड़प मंडप। आड़प मंडप माने कौन जो मंदिर रे गोटे मात्र आवरण देखिए महाप्रभु नीलाद्री रे वर्ष सारा महाप्रभु जो स्थान रे अवस्थान करती नीलाद्री रे बड़दौल जोड़िया होती सीठी पाचेरी अच्छी गोटे भेतर बेड़ा गोटे गोटे मात्र आवरण सीठी तेणु ये गोटे मात्र आवरण सीठी थी ताकु होउचंती आड़प मंडप बोली कह जाए। इटी महाप्रभु होउचंती आवरण सप्ताह आवरण अच्छा स्वतंत्र भाव में इटी आवरण होउचंती सात सिठी होउचंती गोटे मात्र आवरण होते आड़प मंडप बा आड़प घर बोली कह जाइछि। नीलाद्रौ दशबर सानी इटा होउचंती सबुठार प्रख्यात कथा जे नीलाद्रौ दशबर सानी आड़प मंडपे दिने नीलाद्री रे महाप्रभु को बड़देउल रे दस वर्ष दर्शन करने जहा
जनकपुर जहाँकि महावेदी यात्रा रे श्री गुंडीचा समय रे महाप्रभुंकर आड़प मंडपे दिने आड़प मंडपरे गोटे दिन दर्शन कले से फलश्रुति मिलती बोल कि धर्मशास्त्र संकेत करवाच दर्शनम पुण्यम रात्रौ दश गुणाम भवेत दिवारे होती जी पुण्य हुए महाप्रभु को दर्शन कले सी आड़प मंडपर गुंडीचा बाड़ी रे रात्र कालीन दर्शन को आहरी गुरुत्व दि जाए तार कारण हूँ सर्वप्रथमे इंद्रदमन महाराज से ही स्थान महाप्रभु को दर्शन करते सांध्य काल जो महाप्रभु दशाश्वमेध यज्ञ महाप्रभु से यज्ञ नारायण स्वरूप आविर्भाव होते आविर्भाव जगन्नाथम निराद्री कंदरालये अक्षरम ब्रह्म रूपाय सच्चिदा नंद रूपिणे अकार नेत्र जुगुमश्च कुकार धरा श्रुतौ मकार मौली मध्ये च नाद बिंदु समन्वितम एभली भाव रे महाप्रभु जेते बेले रे प्रथमे आविर्भाव हेले से यज्ञ अग्नि रे स्थिति होचंती संपूर्ण भाव रे प्रकाश होइतिले तेणु से स्थानटी महाप्रभु को एतिपाई होचंती प्रथम प्रियतम स्थान रहिला तीनोटी वाक्य ये पूर्व कालरु होचंती स्वतंत्र भाव रे महाप्रभु शपथ करिसेंदि जे ये कार्य निश्चित भाव रे हबो बुढ़ा बढ़ईर कथा मन रखी बरस के तीन रथ निर्माण करिबो रात्र पांच घड़ी थाउ कबाट पड़िबो रात्र दुई घड़ी थाउ कबाट फिटिबो मात्र तीन घड़ी प्रभु शयन करिबो खाऊ भुंजु जगन्नाथ हाथ न सुखिबो विश्वकर्मा स्तुति करुचि महाप्रभु शपथ करिसेंदि निश्चित भाव रे अंगीकार करी श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु नवदिनात्मक यात्रा रे भगवान कर दर्शन सिद्धि भक्त माने पाइबे एवं श्री गुंडीचा गुंडीचा यात्रा जो गुंडीचा होती स्वतंत्र भाव रे इंद्रदमन रानी कर नाम हूँ गुंडीचा मध्य थिला ताकू आधार करी मध्य यात्रा करा जाई थाए बोल कि कई कई मत दियंती किंतु जेहेतु महाप्रभुंकर से आविर्भाव स्थान जन्म स्थान से निश्चित भाव रे विश्वकर्मा को महाप्रभु स्वयं निजे शपथ करी वर्षक तीन रथ तुम निर्माण कर मु निश्चित भाव रे मोर आड़प मंडप को यात्रा करी जहाँ पूर्व काल रे छोटी रथ होता स्वतंत्र भाव रे ताको होचंती पाटणा रथ बोली कह जाए जहाँकि महाप्रभुंकर बड़ शंख पाखरे एक नदी थिला पूर्व काल रे से नदी वर्तमान सांप्रतिक परिस्थिति रे आउ नांती मालिनी नदी ताको परवर्ती पर्याय रे जेते बेले रे नदी पोता जाइची एबे तीनोटी रथ होचंती ता पूर्व काल रे इठी तीनोटी रथ रे महाप्रभु जाई पहुंचिला परे मालिनी नदी पार होतले चारि चकिया सगड़ी आकृति रो पुणी होचे रथ करा जाई से होचंती मालिनी नदी पार हबा परे महाप्रभु गुंडीचा मंडप को विजय करंती कारण सेते बेले रे मंदिर भी नथिला केवल मंडप रे महाप्रभु बसंती मंडप रे से यात्रा करी प्रत्यावर्तन करिथांती ये होचंती महाप्रभुंकर रथ यात्रा रो मूल कारण एवं होचंती गुंडीचा यात्रा रो मूल तत्व तेणु सिठी होचंती प्रति आउरी मध्ये अनेक स्थान रही जाइछि जाकि कृष्णात्म गुरु गच्छ मूळरे महाप्रभुंकर सिठी स्वतंत्र भाव रे नृसिंह नारायण को मंदिर अछि कारण से कृष्णा गुरु गच्छ आउ नांती केवल मंदिर टी अछि जाकि बहु प्राचीन मंदिर नृसिंह मंदिर एतद परवर्ती स्थान सिठी रहिचंदी इंद्रदमन सरोवर जो माने कि स्वतंत्र भाव रे महाप्रभुंकर रथ जहाँकि मंदिर कार्य करथिले सेने कुर्म होइकि ता भितरे थिले तेन ता मध्ये जनश्रुति भितरे एपे पर मध्ये अछि एवं इंद्रदुमन रे स्नान दान जप पूर्वक जो माने आड़प मंडप गुंडीचा घरे महाप्रभु को दर्शन करती से माने अंत काल रे वैकुंठ गति पाई थांती एथेरे संदेह नाही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।